सांप है ना, सांप में चार जानवर फंसे हुए हैं। देखो वो गाय, वहाँ पर गाय फंसी हुई है और निकलने का कोई चांसेस नहीं है। पानी देखो कितना लेवल पे जा रहा है। हे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो भाई वीडियो करते हैं शुरू। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम रामनगर के बैराज में आपको दिखाया था, भाई बहुत ज़्यादा तफाई हो रखी है। पता एक चीज़ बताऊँ मैं, मतलब हम पहाड़ों में रहते हैं, मतलब कि पहाड़ों में क्या, हम तो काशीपुर में प्लेन में हैं, बट जस्ट 10 से 20 किलोमीटर वाली पहाड़ी चढ़ जाते हैं, भाई बहुत ज़्यादा मतलब तफाई सी सीन हो रखा है बारिश के। फिलहाल आज धूप निकली है और देख सकते हो भाई पीछे मैं अभी घर के बाहर का सीन दिखा दूंगा कि यहाँ पे तो अभी धूप का सीन है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है तो धूप निकल चुकी है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाता हूँ कि भाई आफ्टर बरसात के बाद क्या तफाई हुई है, तो वो सीन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो भाई वीडियो तो लास्ट तक बने रहना और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। इसे देखो भाई, पता है इसको ना डांट पड़नी थी ना तो इसलिए मेरे पास आ गई है, क्योंकि मिट्टी खा रही थी बाहर बैठ के, तो अब ये डांट खानी है ना, तो इसलिए मुझसे बचने के चक्कर में ये देखो 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 जबरदस्ती आ रही है पास में। तो मैं गोले की शॉप पर आया था 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से लेना था एक मुझे रेनकोट, तो वो ले रहा था और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट लेना वो ले रहा था मैंने। फिलहाल अभी देखो ये रखा हुआ है, तो इसका थैला लेना था और दूसरा इससे मिलना था गधे सा। टाइम दे सकते हो भाई, 12:30 हो रहे हैं लेकिन अभी तक दुकान पर नहीं आया ये। इस ये ऐसा पहली बार मैंने देखा बिजनेसमैन जो अपनी अपनी कुर्सी को खाली छोड़ रखी है, बैठा ही नहीं है और 12:30 हो चुके हैं, कंप्लीट 12:30 हो चुके हैं भाई। दोपहर है कि सर पे सूरज चढ़ चुका है और अभी तक दुकान पे नहीं आया। भाई देखो ये दुकान में है, इसका नाम क्या नाम तेरा? रश्मि। रश्मि, इसका नाम रश्मि है। इससे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है तो बता रही है कि भाई आए नहीं आया ना दुकान पर, वो देखा नहीं आया। अब देख लो भाई गोले हो तो वीडियो देखना, कमी नहीं इंसान टाइम से आकर वीडियो उस पर दुकान पर। और ये हमारे बड़े भैया ये बेचारे आ गए हैं दुकान पर लेकिन वो नहीं आया दुकान पर। नहीं वो मिले थे मुझे रास्ते में। अच्छा मिलेगा रास्ते, नहीं दुकान पर नहीं आया ना, वो कह रहे हैं कि अपने पाप धो के आ रहा हूँ। तो तुम वहीं बैठो। पाप याद में पाप धो के आ रहा भाई, अभी तक आया दुकान पर यार, परेशान उस समय। देख सकते हो भाई यहाँ पे ना हर जगह ना स्ट्रीम चलती है और उस स्ट्रीम को क्रॉस करके हम जाएंगे गिरजा मंदिर के अंदर और गिरजा गेट में दिखाएंगे हम आपको एंट्री। देख सकते हो भाई यहाँ पे कितना इजीली एंट्री करेंगे। और यहाँ भाई पानी निकलता है तो ये पहाड़ों का शुद्ध पानी है भाई, पवित्र पानी एकदम, कोई इसमें मिलावट नहीं है। और ये देखो एंट्री हमारे गिरजा मंदिर में बरसात के बाद पहाड़ों का। We'll be right back.
सीन हो रखा होगा भाई यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है। देखो काम के लगा रखा है यार, एंट्री है, वो जा रहे हैं तीन चार लोग, हम जा सकते भाई। ये सीन है गिरजा मंदिर का, देख सकते हो कितना विराट पानी चारों तरफ भाई। पता है आगे ना एंट्री नहीं दे रही, उन्होंने ना एंट्री बना कर रखी आगे जाने की। और ये देख सकते हो भाई सीन सामने का पूरा प्रॉपर, तो पहाड़ कितना मस्त लग रहा है भाई, क्या व्यू आ रखा है यार। ये देखो उधर से भी निकल रहा पता पानी मंदिर की साइड से। हालांकि आज तो पानी कम हो गया, बट कल कुछ ज़्यादा पानी था, क्योंकि ना यहाँ पर चार दिन से बरसात हो रही है, चार दिन की बारिश का सीन है ये कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हो रखा है। वरना कल तक तो थोड़ा ज़्यादा सीन था यार, खतरनाक का सीन था। पता है यहाँ पर ना एक चीज़ हो रहा है, मैं आपको हल्का सा दिखाता हूँ। सामने चार जानवर फंसे हुए हैं, देखो वो गाय, वहाँ पर गाय फंसी हुई है और निकलने का कोई चांसेस नहीं है। पानी देखो कितना लेवल पे जा रहा है, और भाई ये है प्रकृति का दूसरा रूप, जब अपने पास आती है ना भाई कुछ खतरनाक सीन करके जाती है। पानी को देखते हैं ना मन कर रहा है, बस बैठ रहा हूँ यहाँ पे, निकलने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, कंटिन्यू चल रहा है बह रहा है। और देखो नीचे ब्लॉक्स के ऊपर से तक आ रहा है, आराम से बह रहा हूँ यहाँ पे। अभी तीन से चार दिन लगेंगे भाई तो ठीक होने में, अंकल जी कह रहे हैं यहाँ पे, एक अंकल जी से बात हुई ना, तीन से चार दिन का गेम है ये, वो कॉन्टिन्यूसली बह रहा भाई, कॉन्टिन्यूसली एक सेकंड नहीं रुक रहा था मैं। किसी को एंट्री नहीं है ब्रिज पे जाने की, यहाँ पहले ही पाबंदी लगा रखी है अंकल ने। और क्या, क्योंकि एक बंदा जाएगा फिर दूसरे जाएगा, दूसरे जाएगा फिर तीसरे जाएगा, स्टेप अंकल ने यहाँ बना कर रखा है। यहाँ पर सिक्योरिटी बैठी हुई है आराम से, यहाँ पर सिक्योरिटी बैठे हुए अंकल यहाँ पर, इसलिए मोस्ट लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, बट नो एंट्री है। यहाँ से देखो पानी, ये दो बच्चे भी आ रखे हैं आराम से पानी देखने के लिए। ये है पानी देखने में भाई, वो कह रहे नहाने आए हो? नहीं तो। ओह माय गॉड, तो कैसे आए हो, पानी देखने आए हो? पानी देखने। ओह माय गॉड, पानी देखने आए भाई, दो लिटिल बॉयज, सही है, बढ़िया यार, हम भी वो देखने आए पानी। बेसिकली क्या है ना, वहाँ का जो है ना थोड़ा सा पानी के चक्कर में वो वाला मंदिर कपाट बंद कर दिए, तो दर्शन अभी यहीं पे हो रहे हैं। तो फिलहाल ये है कि हमने दर्शन यहाँ पे कर लिए और बस, तो चलते हैं हम यहाँ से निकलते हुए। कितने लोग आ रखे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन के सिस्टम बंद कर दिया, अब हम बस वापसी करेंगे अब यहाँ से आराम से। तीन बजरंग बली, यहाँ तीन बजरंग बली भाई, मेरी बाइक के पास थोड़ा डर सा लग रहा है। ओ माय गॉड, पूरी फैमिली है यार, पूरी फैमिली है भाई, देख सकते हो बाइक के पास पास आ रहे हैं, और मेरी गाड़ी जस्ट वहाँ पे खड़ी है, और एक बंदर वहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा डर सा लग रहा है भाई, इसलिए थोड़ा सा रुक के चलते हैं। अभी इसको जाने दो भाई, वरना कुछ देर मारेगा ना रैप्टर, इसने अगर धोखे से रैप्टर मार देना भाई, क्योंकि पता क्या है बंदे का रैप्टर थोड़ा तेज पड़ता है भाई, मुझे आज भी याद है एक के पड़ा था भाई साहब, निशान आज तक है उसके, बचपन में मारा साले का रैप्टर। तो देखो भाई और आ रहे हैं, ओ भाई दूर हो जाओ। कहाँ पे चढ़ के आ गया कसम से, एक वो है भाई, बच के रहो इनसे। तो भाई मंदिर से हम निकल के आ गए, वहाँ पे दर्शन तो हुए नहीं, क्योंकि पता क्या है पानी का ज़्यादा चल रहा है, और हमें ना आगे भी जान दिया, क्योंकि आगे के लिए वो बोलने लग गए, क्योंकि पीछे के जितने भी लोग आ रहे थे फिर वो बोलते हैं कि भाई उसने परमिशन दी, हमें परमिशन दी, तो इसे चलते भाई। हमने दूसरे बंदे पर दर्शन करते वाला दर्शन आपको दिखा देते, फिलहाल अभी रुके हैं भैया के पास मैगी पॉइंट पे, थोड़ा सोचा यार भाई खाते हैं, मज़ा आ रहा है एकदम, गर्म है अभी, मस्त
पहाड़ों का मजा ही है मैगी खाने का। पहाड़ों में आओ मैगी खाओ बस, फेमस चीज़ मैगी। नहीं भाई ये ब्रिटिश ब्रिज है, इधर देखो ब्रिटिश ब्रिज है, ये अंग्रेज जब आए वो जमाने का यार। देखो एकदम यार तो कितना पहती बना हुआ है यार, ये कंक्रीट है यार, वो पानी मिला देखो, ये देखो भाई पानी यहाँ से ना। तो जिसका मन करे ना, सुनो जिसका मन करे सुसाइड करने का यहाँ से पूछ सकता है। भाई चक्कर से आ रहे हैं देख देख के मेरे को तो, पानी का सीन ये देखो। और भाई यहाँ पे ना ऑलमोस्ट लोग फोटोग्राफी में लगे हुए हैं, तो भाई डर सा लग रहा है कि यहाँ पे नीचे देखने से ना पानी कितना ख़तरनाक जोन है। तो अभी देखो भाई, देखो चारों तरफ से देखो यार, और बनावट देखो उसकी ब्रिटिश ब्रिज की। भाई यहाँ पर ना गड्ढा सो चुका है लकड़ी का, ये हिल रहा हल्का सा ना, ये हिल रहा है हिल, ये देखो भाई, ये देखो मस्त एकदम कैमरा दिखा दिखाओ। सो भाई पता है ये ब्रिज ना ब्रिटिश लोगों ने बनाया गया, और इसका नाम भी ब्रिटिश ब्रिज रखा गया है, और ये गिरजा मंदिर से पहले वाला है। तो यहाँ पे पहले तो मतलब परमिशन नहीं थी मतलब आने की, बट बीच में थोड़ा सा परमिशन खोल दी गई है तो ईजिली यहाँ पर आ सकते हैं। सो अभी फिलहाल ये कि बस मैं आपको दिखा रहा था ब्रिज, देखो यहाँ से ये एक कोना वो है और एक कोना ये है, और उसके बाद आप चलेंगे हम सीधे घर की तरफ। सो भाई देख सकते हो कितना मस्त है यहाँ का सीन, एकदम मस्त व्यू है, और ये पूरे तरह जंगल एरिया भाई, ये जंगल एरिया है ये देख सकते हो। मुझे दिखाइयो, उसने मुझे होने चाहिए, मुझे होने चाहिए बेटे, बाप बाप होता बेटा बेटा होता, अभी दिखाऊं मुझे तो तू मत दिखा भाई, तो ये तो तू उसमें तेल लगा लगा के तूने बड़ी करी, आज नहीं लगाया तेल, आसन लगा दे इससे ना, इतने कड़े पहन रखे हैं, चूड़ी भी जरूरत नहीं है, हालांकि ये चूड़ी पहना चाह रहा था, शकल देखो इसे चूड़ी पहनी थी कायदे में, लेकिन चूड़ी ना कड़े पहन लिए, चूड़ी पहना देखा चूड़ी पहनता है। और सुबह तो 11:30 बजे क्यों नहीं आया दुकान पे, दुकान 12:30 बजे तक दुकान पे था। सो भाई मम्मी ने बताया ये अभी बनाया था शाम को जबे, तो हमने शाम को समय मिला नहीं, अभी चले गए मार्केट, अभी हम इसको भी खिला रहे हैं लीजा को भी अपनी, और अब हम खा रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा लेट्स इन्जॉय। सो भाई मैंने क्या बोलते हैं कंप्लीट, अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी तो भाई पूरा आपको काफ़ी मज़ा आया होगा वीडियो में। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो सीन था ना भाई, ये आज का मतलब कि 4-5 दिन से हम बरसात पड़ रही, तो उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो गया हल्का। अभी वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, अंकल लोग जो बैठे थे, उनसे बात नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा मतलब भीड़ ज़्यादा हो रही थी, और वो थोड़ा सा मतलब कहते यार नहीं मतलब उनसे बात नहीं हुई, मतलब जो उन्होंने डिस्कस किया कैमरे सामने नहीं बोल पाए। तो फिलहाल ये सीन था कि भाई वहाँ के ना कुछ ज़्यादा सीन होता है, ये मेरा पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने इतना वहाँ पे देखा गिर जाए, मतलब तबाही का सीन बनना, तो पानी मतलब थोड़ा नॉर्मल चलता है, साइड चलता है, बट वो मंदिर बीचों बीच आ गया था भाई, क्या क्या ही बताऊँ, मतलब इतना खतरनाक पानी चला था कुछ कह सकते, तो मैंने इसलिए दोनों ब्रिज पे जाकर दिखाया था। तो फिलहाल आपको आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, ज़्यादातर शेयर कर देना कि ये चीज़ सबके पास पहुँचे। तो भाई और जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं भाई, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता देना कि आपने कभी ऐसा देखा या नहीं देखा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा वहाँ पे। तो फिलहाल अभी ब्लॉग क्लोज करते हैं, फिलहाल क्योंकि कल की तैयारी करते हैं, कल थोड़ा इंटरेस्टिंग जगह घुमाऊंगा आपको। तो फिलहाल अभी बस यहाँ तक के लिए गुड नाइट एंड वंदे मातरम।